रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पार्ट वन में मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। जो नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हों, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तीन प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी इंप्लीमेंट होंगी वो नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे। पार्ट वन से आगे चलते हैं, ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को कैसे हम उसकी ऑर्डरिंग करेंगे, और कैसे उसको हम कंपेयर करेंगे, दो रैशनल नंबर्स को हम कैसे कंपेयरिंग करेंगे, उसको कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो इसके कुछ मेथड्स हैं। एक सबसे पहला मेथड तो ये है कि जो आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है इज़ ग्रेटर देन निगेटिव रैशनल नंबर्स। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर होते हैं निगेटिव रैशनल नंबर्स से, जो भी निगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर है अगर आपका 1.3, तो ये ग्रेटर होगा -5.6 से, या कोई नंबर है आपका 1/2, तो ये ग्रेटर होगा -2/1/4 से। पॉजिटिव रैशनल नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव रैशनल नंबर्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि नंबर लाइन पे इफ़ टू रैशनल नंबर करस्पॉन्ड टू सेम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक ये नंबर लाइन मैंने बनाई है और इस पे कोई बीच में अगर हम जीरो ले लें और ये वन, यहाँ पे हमने इसको ले लिया -1 और इधर हमने ले लिया 1, तो ये आपका हो गया -1/4। फोर पार्ट्स में अगर इसको हम कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये 2 -2/4 हो गया आपका, ये आपका -3/4 हो गया और ये -4/4 हो गया, कट के ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से इधर आप ले सकते हैं, पॉजिटिव में ले सकते हैं, 1/4 हो गया, ये आपका 2/4 हो गया, ये आपका 3/4 हो गया और ये आपका 4/4 हो गया, जो कट के आपका 1 हो गया। पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो जाके थॉरली उसको देख लेंगे। सो अब इसमें आप देख रहे हैं ये -2/4 हो और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम -1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे, -2/4 है, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे 2 × 2, 2 × 4, यानी कि -1/2। तो इफ़ टू रैशनल नंबर करस्पॉन्ड टू द सेम नंबर, नंबर लाइन पे देखिए ये -1/2 भी इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और -2/4 भी इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दे आर इक्वल, तब वो हम इक्वल हो जाते हैं। अंडरस्टूड। अब इसी तरह से थर्ड पॉइंट है, रैशनल नंबर टू द राइट ऑफ अनदर रैशनल नंबर इज ऑलवेज द ग्रेटर ऑफ टू रैशनल नंबर। जो राइट साइड का जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। जैसे ये 1/2 है, फॉर एग्जांपल इज ग्रेटर देन ऑलवेज 1/4। ये ले लें, अगर ये 2/4 है तो ये भी 1/2 होगा यहाँ पे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4। इसी तरह से ये जो 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ 1 है, ये ऑलवेज बड़ा होगा 3/4 से। 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3/4। जो राइट साइड का रैशनल नंबर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेफ्ट साइड रैशनल नंबर, जो भी दो रैशनल नंबर्स हैं। तो ये नंबर लाइंस पे इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। और एक पॉइंट ये हो गया था कि पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव रैशनल नंबर। वीडियो को पॉज करके फिर से अगेन रिपीट करके देखेंगे, जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। अब आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है कि इसको कॉमन डिनोमिनेटर के थ्रू भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई नंबर ले लेते हैं 3/14 और 5/21। अब इसका सबसे पहला पार्ट हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे 14 और 21 का एलसीएम करेंगे। तो 14 और 12, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 × 3, तो ये आपका आ जाएगा 42, यानी एलसीएम आपका क्या निकल गया है 42। तो जो डिनोमिनेटर है उसको आपको इसके इक्विवेलेंट करना होगा, मेक द डिनोमिनेटर ऑफ ईच रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द एलसीएम, यानी कि जो 3/14 है इसको हमको ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है जिसके बाद जो है ये इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाए, 42 हो जाए। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3/4 है, ये 14 है सॉरी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, ये मतलब डिनोमिनेटर आपको एलसीएम के इक्विवेलेंट करना होता है। तो 3 से अगर इसको भी करते हैं, इसको भी, क्योंकि सेम नंबर से जो भी ऑपरेशन करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो सेम नंबर से करेंगे, तो ये हो गया 9/42। इसी तरह से ये आपका दूसरा नंबर था 5/21, तो 5/21 को किससे करेंगे कि डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाए, 42 हो जाए, 2 से, 2 से ऊपर भी करेंगे, 2 से नीचे भी करेंगे, तो हो जाएगा 10/42। तो अब जब डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाए तो न्यूमरेटर को आप कंपेयर कर सकते हैं। 9/42 एक से निकल के आया आपका और दूसरी तरफ आपका क्या निकल के आया, 10/42।
तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा। अब 10 अपॉन 42 आपका कहाँ से निकल गया था, 5 अपॉन 21 से निकल गया था 10 अपॉन 42, तो 5 अपॉन 21 जो है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा और 3 अपॉन 14 आपका लेस हो जाएगा। ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लेस देन, या ये भी लिख सकते हैं 5 अपॉन 21 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 14। क्यों? क्योंकि 5 अपॉन 21 जो आपका निकल के आया है 10 अपॉन 42 और 5 अपॉन 21 को मैनिपुलेट करके निकल के आया है, तो ये ग्रेटर होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्विवेलेंट करेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। पॉज करके अगेन आप इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है, इसका एक सेकेंड मेथड भी है जहां आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको निकाल सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे कोई फॉर एग्जांपल नंबर ले लें -7 अपॉन 16 और दूसरा नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर है 13 अपॉन -20। तो सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये तो है ही है -7 अपॉन 16, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पर आ जाएगा -13 अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू 20 और इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू -13। तो इधर से आएगा आपका -140, इधर से आएगा -208। तो आप देख रहे हैं इसमें से कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है -140 मैंने इंटीजर्स में आपको बताया था, तो ये -140 बड़ा है। निगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा होता है, तो ये स्मॉलर नंबर है तो ये ग्रेटर नंबर है। तो आप देख रहे हैं -140 आपका बड़ा है। तो इस तरह से ये जो आपका 7 अपॉन और ये -140 आपका कैसे निकला, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आया था, तो ये आपका ग्रेटर देन का साइन इसमें लग जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दो रैशनल नंबर हैं a अपॉन b और दूसरा रैशनल नंबर है c अपॉन d, इन दोनों को अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो a को d से मल्टीप्लाई किया आपने, इसको बहुत राइट कर लीजिएगा, और b को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कुछ कंडीशन है कि अगर ad यानी कि ad आपका ग्रेटर है bc से, अगर मल्टीप्लाई करने पे ए डी बड़ा होता है बी सी से, तो ए अपॉन बी इज़ ग्रेटर देन सी अपॉन डी, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ए डी आपका छोटा होता है बी सी से, तो ए अपॉन बी इज़ लेस देन सी अपॉन डी, ये दूसरी कंडीशन फॉर ए डी और बी सी। तीसरी कंडीशन क्या है कि ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, तो क्या होगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये तीन कंडीशंस होती हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है। ये इस एग्जांपल में आपने देखा था क्या हुआ था, हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो ये बड़ा था, ये वाला पार्ट बड़ा था, ये छोटा था, तो इसलिए ये पहला वाला रैशनल नंबर ग्रेटर का साइन आपका लग जाएगा। इसके बाद रैशनल नंबर पे ऑपरेशंस होते हैं, सब वही ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो उसमें आपको देखते हुए चलना है कि एडिशन में क्या होता है, एडिशन में होता है कि न्यूमरेटर्स जो हैं वही चार ऑपरेशंस होते हैं जो सारे नंबर्स में होते हैं। तो अगर दो रैशनल नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं तो आप न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल कोई एडिशन में क्या होता है, एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर रैशनल नंबर, क्योंकि हर कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शनल हो, आपको यही चार ऑपरेशंस करने होते हैं, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड और एडिशन। तो एडिशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर क्या है, अगर आपका कोई नंबर है मान के चलिए 6 अपॉन 13 और दूसरा नंबर है -2 अपॉन 13, इसको दोनों को आपको ऐड करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर दीजिए, 6 प्लस -2 अपॉन 13, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैंने इंटीजर की वीडियो में आपको बताया है 6 माइनस 2 अपॉन 13, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 4 अपॉन 13, ऐड करने पे आपका ये नंबर निकल के चला आएगा न्यूमरेट, क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो हैं वो यहाँ पे सेम हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि अगर डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो आप क्या करेंगे, वही एलसीएम वाला मेथड निकालेंगे, आपको डिनोमिनेटर्स दोनों केस में सेम रखने ही रखने। फॉर एग्जांपल 1 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, आप पहले 6 और 3 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 6 और 3 का एलसीएम जब निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना निकल गया आपका 6। तो अब आपको ये 1/6, अब आपको इसको क्या करना है, जो एलसीएम है आपका कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। तो अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है,
तो आप डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/1/6 प्लस 2/3 इंटू 2 इंटू 2 ऊपर नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 4/6। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, अब वही डिनोमिनेटर सेम है तो 1+4/6, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर देंगे, यानी कि ये 5/6 हो गया, ये आपका 5/6 हो गया। डिनोमिनेटर्स को सेम करना मस्ट है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा आपका क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं होगा। ये एडिशन के अंदर इसको हम करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे आपका 1/5 है प्लस माइनस 4/7 है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, आप पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम इसका निकल जाएगा 5 और 7 का, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 35 निकल के आएगा, 35 इसका एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम निकालना आपको आता होगा, तो 35 आप रख देंगे। इसके बाद ये इसमें कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, तो इसको जितने टाइम्स जाता है उस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये इसमें कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, फिर उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4 को, जितने टाइम्स जाता है तो ये टोटल हो जाएगा 7-20/35, ये प्लस माइनस माइनस, तो साइन ग्रेटर वाले नंबर का लगेगा, -13/35। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है एडिशन का। इसके बाद एडिशन में भी जब आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी एक आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी हम एडिशन करते हैं, लेकिन एडिशन किसका करते हैं, इसके एडिटिव इनवर्स को। फॉर एग्जांपल दो रैशनल नंबर हैं, एक है एक ए अपॉन बी और दूसरा है सी अपॉन डी। अब इसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए बेसिकली ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, हम ऐड करते हैं। हम क्या ऐड करते हैं, ए अपॉन बी, ऐड क्या करेंगे इसके इसके एडिटिव इनवर्स को, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी अपॉन डी, इसको ऐड करते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी अपॉन डी, इसको ऐड करते हैं। तो सी अपॉन डी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सी अपॉन डी का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस सी अपॉन डी। एडिटिव इनवर्स उसको कहते हैं जिसको ऐड करने पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो प्लस सी अपॉन डी का माइनस सी अपॉन डी होगा, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सो ये आपको माइंड में रखना है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3/7 है और -5/7 है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 3/7 है, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किसको करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आई, मैं एडिटिव इनवर्स का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऑफ 5/7, इसको हमको ऐड करना है। अब 5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/7, क्योंकि 5/7 और -5/7 हम करेंगे तो ये सब कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको ऐड करने पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो 3/7 प्लस -5/7, ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। बहुत इसी इसको प्रॉपर्ली समझिएगा। फिर इसके बाद इसको आप क्या करोगे, वही इसका जो एलसीएम है वो 7 हो जाएगा, ये या डिनोमिनेटर अगर इसका सेम है तो न्यूमरेटर आप ऐड कर लो, 3+-5, और ये आपका हो जाएगा 3-5/7 या +-, होगा साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा, तो -2/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि हम ऐड करते हैं, और ऐड किसको करते हैं, उसके एडिटिव इनवर्स को। इसको भी आप लोग प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप बताइएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करते हैं, सेम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आपको ध्यान रखना, कोई दो अगर रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सी अपॉन डी है, तो आप क्या करोगे, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दोगे और बी को डी से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल, जैसे 2/5 है और दूसरा है 4/8, तो सिंपल आप क्या करोगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 को 8 से, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 4 × 4, 4 × 2 = 8, यानी होगा 2/10, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आंसर आपका 1/5। इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन भी आप लोग देख लें जाते जाते। इसका डिवीजन में क्या होता है कि इफ़ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, दो रैशनल नंबर हैं, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, अगर दो रैशनल नंबर हैं सच डेट सी अपॉन डी नॉट इक्वल टू जीरो, कि सी अपॉन डी जो है वो जीरो नहीं है, अगर सी अपॉन डी जीरो नहीं है तो डिवाइड में डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि डिवाइड में आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये होगा ए अपॉन बी मल्टीप्लाई क्या करते हैं, रेसिप्रोकल माने उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सी अपॉन डी, ये कैसे हो जाएगा, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी, पलट देते हैं। तो डिवीजन में डिवाइड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, रैशनल नंबर में ऐड करते हैं एडिटिव इनवर्स को।
होप सो डेट यू हैव अंडरस्टूड. एक एग्जाम्पल लेकर छोटा सा समझा देते हैं आपको. जैसे आपका है 1/8 / 9/2. तो अब आपको देखना है इसको डिवाइड हम कैसे करेंगे. दोनों रैशनल नंबर हैं. 1/8 × 2/9 ये पलट जाएगा. फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8. ये हो जाएगा 1/36. तो होप सो डैट यू हैव अंडरस्टूड. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. अगला वीडियो लेके आएंगे. इसके साथ ही इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए. जो प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, तो उस टॉपिक पे भी मैं नया वीडियो आपके पास लेके आऊँगा. और दोनों पार्ट्स को थॉरोली रुक रुक के पॉज कर करके देखिए. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मिशन को आगे बढ़ाइए. और जिनको भी रिक्वायरमेंट है उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए. इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर एक तक पहुँचाइए जिसको भी रैशनल नंबर्स में प्रॉब्लम है. और चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं जो आप सबके काम के हैं, तो उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.